नमस्कार, मैं अमितोष कुमार आज आपके समक्ष आपके फरमाइश का पाठ फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी जो कि NCERT कक्षा 8 के पाठ्यपुस्तक का के इतिहास विषय का दूसरा पाठ है को लेकर प्रस्तुत हूं, जिसे फरमाइश किया था केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 पटना के छात्र सिद्धार्थ, प्रियांशु, ज्योति, ऋचा और दिव्या ने। दोस्तों, इसी प्रकार हमें अपनी पसंद बताते रहिए जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है, एवं इस सीरीज़ की सभी वीडियोज़ पाने के लिए आप अपने चहेते चैनल यानी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो लीजिए अपनी पसंद का ये पाठ। बैटल ऑफ प्लासी, व्हेन अली वर्दी खान डेड इन 1756, सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल, द कंपनी वॉज वरीड अबाउट हिज पावर एंड कीन ऑन अ पपेट रूलर हु वुड विलिंगली गिव ट्रेड कंसेशंस एंड अदर प्रिविलेजेस, सो इट इज tried through without success to help one of Sirajuddaula's rivals become the Nawab, and infuriated Sirajuddaula asked the company to stop meddling in the political affairs of his dominion, stop fortification and pay the revenues. After negotiations failed, the Nawab marched with 30,000 soldiers to the English factory at Kasim Bazar, captured the company official, locked the warehouse, disarmed all Englishmen and blockaded English ships. Then he marched to Kolkata to establish control over the company's fort there. अब प्लासी का युद्ध के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। प्लासी की लड़ाई भारतीय इतिहास में सबसे पहली ऐसी लड़ाई है जिसके बाद ब्रिटिश ने भारत में अपना पांव पसारना शुरू कर दिया था, और उस समय में भी पता नहीं था कि ब्रिटिश पूरे 200 साल तक हमारे देश पर राज करता रहेगा। और प्लासी की लड़ाई कुछ इस तरह से थी कि 1756 ईस्वी था, यानी कि 1756 अली वर्दी खां की मृत्यु हो गई थी और सिराजुद्दौला नवाब बने थे नए। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसी कठपुतली सरकार बनाना चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें दे और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी नहीं करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए, सिराजुद्दौला के जो दुश्मन हैं उसमें से किसी को मिलाकर नवाब बना दिया जाए, और कंपनी को कामयाबी इसमें नहीं मिली। सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उसके राज्य के जो राजनीतिक मामले हैं उसमें टांग अड़ा रही है, बिना काम का बेदखल कर रही है, तो किलेबंदी रोक दे। अगर ऐसा वो कर रही है तो अंग्रेज़ किलेबंदी रोक दे, वो जो फोर्टिफिकेशन कर रही है पूरे के पूरे कलकत्ता इलाके में वो किलेबंदी रोके, बाकायदा राजस्व चुकाए, जो टैक्स फ्री वो ले रहा है वो राजस्व वो चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्री थी, इंग्लिश फैक्ट्री, उस पर हमला बोल दिया। सिराजुद्दौला ने अपने 30,000 सिपाहियों के साथ, ब्रिटिश ने जब सिराजुद्दौला का फोर्टिफिकेशन करना और उसके राजनीतिक मामलों में दखल देना नहीं रोका, तो अपने 30,000 सैनिकों के साथ सिराजुद्दौला कासिम बाजार फैक्ट्री पर हमला करता है, और नवाब ने की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला मार दिया या ताला डाल दिया, और अंग्रेज़ों के हथियार छीन लिए, अंग्रेज जहाज़ों को घेर लिया, यानी अंग्रेजी जहाज़ों को घेर लिया। और इसके बाद नवाब ने कंपनी में के कोलकाता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया, यानी कोलकाता में जो किला बनाया है कंपनी का उसकी ओर मार्च करता है नवाब, और नवाब अपने 30,000 सैनिकों की तरफ उधर मूव किया। उसका नतीजा क्या हुआ? ऑन द हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द फॉल ऑफ कलकत्ता, कंपनी ऑफिशियल्स इन मद्रास सेंट फोर्सेज अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, री इन्फोर्स बाई नवल फ्लीट। Prolonged negotiations with the Nawab followed. Finally, in 1757, Robert Clive led the company's army against Sirajuddaula at Plassey, one of the main reasons for
the defeat of Nawab was that the forces led by Mir Jafar, one of Sirajuddaula's commanders, never fought the battle. Clive had managed to secure his support by promising to make him Nawab after crushing Sirajuddaula. The Battle of Plassey became famous because it was the first major victory the company won in India. तो कलकत्ता से जैसे ही कलकत्ता की खबर, कलकत्ता में क्या हो रहा है ये खबर जैसे ही मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों को मिली, तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया गया मद्रास से। एक सैनिक टुकड़ी, नेवल टुकड़ी वहाँ से रवाना कर दिया जाता है रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। और इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ जितने भी सौदेबाजी चली, नवाब के साथ लंबे समय तक ये सौदेबाजी चली कि आप ये करो। आखिरकार ये सौदेबाजी चलकर और 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया और नवाब सिराजुद्दौला की हार हो गई। और यह हार का एक बड़ा कारण बना उसका, यानी सिराजुद्दौला के हार का सबसे बड़ा कारण बना उसके सेनापति में से एक सेनापति थे मीर जाफर ने नवाब सिराजुद्दौला के साथ धोखा दे दी, यानी उनकी टुकड़ियों में हिस्सा नहीं लिया। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया और रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हराने के बाद, सिराजुद्दौला को डिथ्रोन करने के बाद, मीर जाफर साहब आपको ही हम बंगाल का नवाब बना देंगे। और ये लोग प्लासी की लड़ाई में ब्रिटिश शासन का को विजय की ओर ले जाती है और जो सिराजुद्दौला है वो हार जाते हैं। और प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी और इसके बाद सिराजुद्दौला मार दिए जाते हैं, यानी प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गए। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं है। तो आफ्टर द डिफीट एट प्लासी, सिराजुद्दौला वाज असैसिनेटेड एंड मीर जाफर मेड द नवाब। द कंपनी वाज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वाज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। इफ दिस कुड बी डन विदाउट कंक्विस्ट थ्रू द हेल्प ऑफ लोकल रूलर्स हु वेयर विलिंग टू ग्रांट प्रिविलेजेस, देन टेरिटरीज नीड नॉट टू टेकन ओवर डायरेक्टली। इट मीन्स सून द, इसका मतलब ये कि प्लासी की जंग के बाद जो सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है और मीर जाफर नवाब बन जाते हैं, तो कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थी। यानी उनका मूल उद्देश्य जो था वो व्यापार फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासक की मदद से बिना कोई लड़ाई लड़े किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या ज़रूरत थी। यानी उनको यदि बेनिफिट हो ही रहा था या फिर हो जाता तो उन्हें यहाँ पर शासन फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी और वो इसके लिए तैयार भी नहीं थे। कंपनी डिस्कवर्ड दैट दिस वाज रादर डिफिकल्ट फॉर इवन द पपेट नवाब वेयर नॉट ऑलवेज एज हेल्पफुल एज द कंपनी वांटेड देम टू बी। आफ्टर ऑल दे हैड टू मेंटेन अ बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी एंड सोवरेनिटी इफ दे वांटेड रेस्पेक्ट फ्रॉम देयर सब्जेक्ट्स। यानी कि जो कंपनी को ऐसा लगता था कि यह रास्ता भी आसान नहीं है, कठपुतली सरकार चलाना भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे और आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान दिखाना पड़ता है या फिर दिखावा ही करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती? जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। और मीर कासिम को जब नवाब बना दिया तो मीर कासिम भी अंग्रेज़ों को परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई। यानी कि कंपनी ने कहा कि तुम मेरा बात मानो और मीर जाफर बोला क्या ठीक है आपका भी बात मानेंगे लेकिन हम थोड़ा सा अपने देसी लोग जो हैं देसी व्यापारी उनको भी टैक्स फ्री कर देते हैं। फिर बोला मैंने तो तुम्हें
अंग्रेज़ों का कहना था कि मैंने तो तुम्हें नवाब बनाया, तो मीर जाफर का कहना था कि ठीक है नवाब बनाया, लेकिन हम थोड़ा सा देसी लोगों को भी टैक्स फ्री अगर कर देंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे। लेकिन उसका बात नहीं मानने से, ब्रिटिशर्स का बात नहीं मानने के कारण मीर जाफर को हटा दिया जाता है। फिर मीर कासिम जो उनके दामाद थे मीर जाफर के, उन्हें नवाब बना दिया जाता है। फिर मीर कासिम ने भी कंपनी को के बात को डायरेक्टली या फिर कुछ आंशिक रूप से नहीं माना, जिसके कारण 1764 ईस्वी में एक और लड़ाई होती है, इसे बक्सर की लड़ाई के नाम से जाना गया, में भी उन्हें हरा दिया गया। सून द कंपनी डिस्कवर्ड दैट दिस वॉज रादर डिफिकल्ट फॉर इवन द पपेट नवाब वेयर नॉट ऑलवेज एज हेल्पफुल एज द कंपनी वॉन्टेड देम टू बी। आफ्टर ऑल दे हैड टू मेंटेन अ बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी एंड सोवरेनिटी इफ दे वॉन्टेड रेस्पेक्ट फ्रॉम देयर सब्जेक्ट्स व्हाट वुड द कंपनी डू व्हेन मीर जाफर प्रोटेस्टेड। द कंपनी प्रपोज्ड डिपोज्ड हिम एंड इंस्टॉल्ड मीर कासिम इन हिज प्लेस। व्हेन मीर कासिम कंप्लेंट ही इन टर्न वॉज डिफीटेड इन द बैटल फॉट एट बक्सर 1764, ड्राइवन आउट ऑफ बंगाल एंड मीर जाफर वॉज री इंस्टॉल्ड। द नवाब हैड टू पे ऑफ 500,000 एवरी मंथ, बट द कंपनी वॉन्टेड मोर मनी टू फाइनेंस इट्स वॉर एंड मीट द डिमांड ऑफ ट्रेड एंड इट्स अदर एक्सपेंसेज। इट वॉन्टेड मोर टेरेटरीज एंड मोर रिवेन्यू बाई द टाइम मीर जाफर डेड इन 1765 एंड मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज्ड। 1765 में मीर जाफर मर गए और कंपनी का विचार बदल गया। हैविंग फेल्ड टू वर्क विथ पपेट नवाब, क्लाइव डिक्लेयर्ड वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब आवर सेल्फ्स। तो अब नवाब बनने को, खुद अपने आप को नवाब बनने का ऐलान कर दिया रॉबर्ट क्लाइव में, यानी कि जो 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई हुई और उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया गया, बंगाल से बाहर मीर कासिम को कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया गया। तो अब नवाब को हर महीने पाँच लाख रुपए कंपनी को चुकाने पड़ते थे और कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने के लिए व्यापारी जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके और ज़्यादा कमाई चाहती थी और 1765 ईस्वी में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे और कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने यह ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। अब ये दूसरे को यदि हम नवाबी देते हैं तो वो हमें धोखा दे देते हैं, इसलिए कंपनी को खुद नवाब बन जाना चाहिए। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। फाइनली इन 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज द वास्ट रिवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। दिस सॉल्व अ मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड। फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी इट्स ट्रेड विथ इंडिया हैड एक्सपेंडेड, बट इट हैड टू बाई मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विथ गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। This was because at this time Britain had no goods to sell in India. The outflow of gold from Britain slowed after the Battle of Plassey and entirely stopped after the assumption of Diwani. New revenues from India could finance company expenses. These revenues could be used to purchase cotton and silk textile in India, maintaining company troops and meet the cost of बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट एंड ऑफिसेज एट कलकत्ता। तो आपने यह देखा कि 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट के ने कंपनी को ही बंगाल का प्रांत का दीवान घोषित कर दिया। तो दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधन सभी पर नियंत्रण प्राप्त हो गया और इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई। 18वीं सदी की जो
शुरुआत में ही जो भारत की के साथ व्यापार उनका बढ़ा बढ़ा या फिर व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत से में ज़्यादा चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले खरीदनी पड़ती थी। यानी वो पहले यहाँ पर इस्टेब्लिश करने के लिए जो सोने चांदी या फिर ब्रिटेन से मंगाते थे अपने खर्चे को पूरे करने के लिए, वो अब मंगाना ब्रिटेन से मंगाना अपने खर्चे को पूरा करने के लिए बंद कर दिया। और उसकी वजह ये थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं था। लेकिन प्लासी की जंग के बाद जो ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी थी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद ब्रिटेन से जो सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और ब्रिटेन से कोई भी चीज़ महंगी चीज़ यहाँ ला करके यहाँ से खरीद कर रॉ मटेरियल्स नहीं ले जाना पड़ा, यहाँ ही इतना ज़्यादा उन्हें धन मिल गया कि वो यहीं के पैसे से यहीं कमाते थे और यहीं के पैसे से यहीं रॉ मटेरियल्स खरीदते थे और वो ब्रिटेन भेजने लगे। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्च चला सकती थी, इट मीन्स ये हुआ। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती कपड़े और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी और अपनी फौजों को संभाल सकती थी। ये कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। ऐसा कंपनी अब इतना कंपनी कमा लेती थी इंडिया में। कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब। नेक्स्ट टॉपिक इज कंपनी के जो अफसर थे नवाब बन बैठे। नवाब क्या था? द व्हाट डिड इट मीन्स टू बी नवाब्स? इट मीन्स ऑफ कोर्स दैट द कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर एंड अथॉरिटी, बट इट ऑल्सो मीन्स समथिंग एल्स। ईच कंपनी सर्वेंट बिगान टू से टू हैव विजन्स ऑफ लिविंग लाइक नवाब्स। तो जो नवाब थे आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, द एक्चुअल नवाब ऑफ द बंगाल वेयर फेस्ड टू गिव लैंड एंड वास्ट सम्स ऑफ मनी एज पर्सनल गिफ्ट्स। तो आपने देखा कि नवाब बनने का क्या मतलब था, यानी कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। तो नवाब बनने का मतलब क्या था? इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन उसके कुछ और फायदे थे। उस सत्ता और ताकत के कुछ और फायदे भी थे, यानी कि कंपनी का हर कर्मचारी नवाब की तरह जीने का ख्वाब देखने लगा था। प्लासी के युद्ध के बाद जो बंगाल के असली नवाब थे को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर आप जमीन और कुछ पैसा दें। कंपनी के अफसर को निजी तौर पर बंगाल के जो नवाब थे वो कुछ ज़मीन और पैसा दे। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने भी भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। तो 1773 ईस्वी में जब इंग्लैंड से मद्रास यानी अब चेन्नई कहलाता है, 1743 ईस्वी में जब वह यानी रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड से चेन्नई आया था तो उसकी उम्र मात्र 18 साल थी। और 1767 ईस्वी में 1767 में जब वह दो बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो 1743 में जो उसकी स्थिति से सो और 1767 ईस्वी में जो उसकी स्थिति से सो, दोनों में बहुत अंतर था। यानी उस समय उसके पास कुछ नहीं था 1743 में, और 67 में जब वह यहाँ से रवाना हो गया इंग्लैंड के लिए तो उसके पास 401,102 पाउंड के बराबर लगभग दौलत उसने जमा कर ली थी। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसने कंपनी, तो गवर्नर रहने के उसने दूसरे कार्यकाल में उसने कंपनी के भीतर जो फैले भ्रष्टाचार है उसको ख़त्म करने का काम सौंपा गया था। और भ्रष्टाचार ख़त्म करने के चक्कर में उसने और भ्रष्टाचारी ढंग से ही इतना ज़्यादा पैसा कमा लिया कि उसके पास 401,102 पाउंड के बराबर उसके पास संपत्ति जमा हो गया था। और सरकार को इसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे, इसलिए उसने यानी ब्रिटिश सरकार ने यहाँ से लौटने के बाद ब्रिटेन में उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। और कुछ दिन के बाद जब उस पर केस चला इसके बाद फिर वो बरी भी कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। 1774 में रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कर ली। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है, हाउएवर नॉट ऑल कंपनी ऑफिशियल्स असेंडेड द मेकिंग मनी लाइक क्लाइव। मेनी डेड एन अर्ली डेथ इन इंडिया ड्यू टू डिजीज एंड वॉर, एंड इट वुड नॉट बी राइट टू रिगार्ड ऑल ऑफ देम एज करप्ट एंड डिसऑनेस्ट। मेनी ऑफ देम केम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड्स एंड देयर अप
अपर मोस्ट डिजायर वॉज टू अर्न इनफ इन इंडिया रिटर्न टू ब्रिटेन एंड डेड इन एंड लीड अ कम्फर्टेबल लाइफ दोज हु मैनेज टू रिटर्न विथ वेल्थ लेड फ्लैसी लीव्स एंड एंड फ्लॉन्टेड देयर रिचेज दे वेयर कॉल्ड नवाब्स एंड एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ इंडियन वर्ड नवाब दे वेयर often seen as upstarts and social climbers in Britain, in British society and were ridiculed or made fun of in plays and cartoons. तो आपने देखा कि कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए. बहुत सारे ऐसे अफसर भी थे जो बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत के हवाले हो गए, यानी उनको मौत के घाट उतार दिया गया या मर गए. उनके इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना सही नहीं होगा, क्योंकि उसमें से बहुत सारे अफसर साधारण विचार और परिवार वाले परिवार से भी आते थे, और उनमें सभी बड़ी इच्छा बस यही थी, सबकी सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि वो भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएँ और ब्रिटेन आराम से लौट जाएँ और बाकी का ज़िंदगी गुजर बसर आराम से करें. जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया और वहाँ के लोग उन्हें नवाब कहते थे. यानी जो वो ब्रिटिश गए, हमारे यहाँ से जो जो यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव जैसे लोग आए ब्रिटिश ऑफिशियल्स, और वो यहाँ से अच्छे खासे कमा कर ब्रिटिश गए, ब्रिटेन गए और वहाँ पर अच्छे खासे ज़िंदगी जिए बाकी के समय, तो उन्हें वहाँ के लोग नवाब के कहकर पुकारते थे. और वह भारतीय शब्द नवाब का ही एक अंग्रेजी संस्करण बन गया नवाब, और उन्हें लोग अक्सर नए अमीर और सामाजिक हैसियत से रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे. तो नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था ब्रिटेन में. ये है नवाब का मतलब. कंपनी रूल एक्सपेंस